सभी हमारे पवित्र ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों को विनम्र प्रणाम करता हूँ। ये नारायण का स्मरण करना क्या है? नारायण का स्मरण करने का मतलब यह है कि हमारे इस जो हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारा जो शरीर होता है, इससे भिन्न जो हमारे भीतर एक चिन्मय देवता है उसका स्मरण करना। मैं आत्मस्वरूप हूँ, ये भी नारायण का स्मरण करना ही है। नारायण आत्मा के रूप में है, नारायण हमारे अंदर ब्रह्म के रूप में है। उसको ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, नारायण कहें, भूमा कहें, एक ही बात है। ये जितना भी सामर्थ्य हमारे पास है शरीर के रूप में, मन बुद्धि के रूप में, ये हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इसके साथ हमारा तादात्म्य होने के कारण व्यवहार में ये सारी समस्याएं होती हैं। कभी क्रोध आता है, कभी काम आता है, कभी लोभ आता है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी द्वेष आता है। सारे विकार शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य के कारण हमारे भीतर पैदा होते हैं। ये सभी का अनुभव है। थोड़ा सा भी सजग होंगे और उस सजगता में हम देख पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारे के सारे विकार शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य की अवस्था में ही पैदा होते हैं। तो इस तादात्म्य को तोड़ने का जो कोई उपाय हो सकता है, इस तादात्म्य को भंग करने के लिए हम कोई उपाय अपना सकते हैं, तो उपाय यह है कि हम अपने उस मूल स्वरूप को स्मरण करें। इसी का नाम है अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं वो क्लिष्ट वृत्तियों को हटाती हैं। ये सभी का अनुभव है कि अक्लिष्ट वृत्ति, जैसे कोई हमारे को वितर्क सताने लगे, हिंसा आदि वितर्क आए, तो ऐसे कहा है ना, वितर्कवाद में प्रतिपक्ष भावनम। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना है, ये एक अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं वितर्कों को हटाने के लिए। वितर्का हिंसा दया कृतकारित अनुमोदिता मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञाना अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। जब हम ये कहते हैं कि दुख और अज्ञान देने वाले हैं ये सारे के सारे वितर्क, मेरे अंदर क्रोध आया, लोभ आया, अहंकार आया, विकार, कोई भी विकार आया, तो वो विकार मेरे व्यक्तित्व को हिला देता है, दिमाग गर्म हो जाता है। ये तादात्म्य जो है, किस रूप में हम इसको अनुभव कर सकते हैं? अभी जैसे मैं आचार्य भवेंद्र जी कमरे में बैठा था तो एकदम बिजली कड़की बहुत तेज़ी से, तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में अचानक एकदम से ऐसे हुआ और सारे शरीर में सर ऐसे, सारे शरीर में पैरों में ऐसे होता हुआ एक प्राण ऐसे गति करता हुआ मुझे दिखाई दिया। मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ? आत्मा का शरीर प्राण मन बुद्धि के साथ तादात्म्य होने के कारण, शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण इस तादात्म्य को हम अनुभव कर सकते हैं इन विभिन्न प्रसंगों में। जब जैसे कोई आहट होती है, कोई अंधेरे में चल रहे होते हैं और अकस्मात हमारे पैर से कोई गिलगिली, नंगे पैर हों और गिलगिली गिलगिली कोई चीज़ जैसे हमारे पैर को छू जाए, गिलगिली समझते हैं, थोड़ी मृदु चीज़, कोई जैसे कोई सांप जैसा गिलगिला होता है ना, तो ऐसी कोई चीज़ छू जाए, हमारे संस्कार में है गिलगिली चीज़, कोई सांप हो सकता है, कोई छिपकली हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई मेंढक हो सकता है, कोई मछली हो सकती है, जैसे पानी में जाएं तो कोई ऐसी चीज़ छू जाए, तो चूंकि हमारा शरीर के साथ तादात्म्य है, बहुत गहरा तादात्म्य है, तो इसलिए तुरंत हमारे को एकदम से भय आता है पूरे शरीर में। गाड़ी के साथ तादात्म्य होता है, तो मैंने तो सैकड़ों बार देखा है इस बात को
कि गाड़ी के साथ जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो वो बिल्कुल पास से गुजरने लगती है, तो शरीर को मैंने देखा कि ऐसे एकदम से शरीर को खींचते हैं ऐसे, जैसे कि अपने शरीर को खींचने से गाड़ी खींच रही है। ये अनुभव की बात बताता हूँ, जैसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है, तो वो गाड़ी ऐसे जैसे लग रहा है कि ये इसके पास में बिल्कुल पहुँच गई है, तो फिर ऐसे खींचते हैं शरीर को, अपने शरीर को ऐसे खींचते हैं, माने शरीर का गाड़ी के साथ इतना तादात्म्य हो गया है कि शरीर और गाड़ी एक ही होगी। खेल खेलते समय जैसे कोई रस्सा कसी करता है, जिसके प्रति हमारा लगाव होता है वो जब इधर झुकता है तो हम भी झुक जाते हैं। कुश्ती करने वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने तो इसका सैकड़ों बार प्रयोग किया है, सैकड़ों बार, हजारों बार भी कह सकता हूँ, बाल्यकाल से करते रहे हैं, कि जैसे कोई कुश्ती कर रहा है तो जैसे वो झुकता है, वो कोई जैसे दाव लगाता है तो हमारा भी, देखने वालों का भी शरीर वैसे ही एकदम टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल एकदम से हमें पता भी नहीं होता और पूरा का पूरा शरीर झुक जाता है। हम अपने आप में ऐसे समझ बैठें कि मेरे को जो दृष्टि मिली है बहुत अद्भुत है, और दूसरा कह ये भ्रांत है। तो इतना ही सुनते ही हमारे स्वरूप में कुछ अंतर आएगा, यदि हम सावधान नहीं हैं तो हमारे स्वरूप में अंतर आएगा और हम विचलित हो जाते हैं उसकी एक छोटी सी बात को सुन करके। किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में कोई विपरीत रिमार्क पेश कर दिया तो हमारे को बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा मन बुद्धि के साथ बहुत गहरा तादात्म्य है। इन सब वो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है कृष्णमूर्ति की। क्या बात? वो कहते हैं कि ये सारे जो रिलेशन हैं, संबंध हैं, वो बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस तरह से हमको सुझाते हैं, दिशा देते हैं कि ये जितने भी संबंध हैं ये मिरर की तरह काम करते हैं, मानी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो मिरर की तरह काम करती है, हमको दिखाई देता है कि हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा कैसा चेहरा है, वो हमारे स्वरूप को दर्शाते हैं। तो व्यवहार में जब हम व्यवहार काल में होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि मेरे को भय कितना है, क्रोध कितना है, काम कितना है, लोभ कितना है, और ये सारी चीज़ें मन बुद्धि और शरीर के साथ तादात्म्य, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य के कारण जब हम अपने स्वरूप में रहें, जैसे मैं बैठ गया ऐसे शांत होकर के अपने स्वरूप में, और मैंने कहा कि इस बार बिजली कड़केगी तो बिल्कुल एकदम से मैं ऐसे शांत रहूँगा, शरीर में कोई ऐसे जो ये झरन झरन हुई थी ऐसे नहीं होगा, तो वास्तव में ऐसा प्रयोग करके देखो, ऐसे शांत होकर के हम देख सकते हैं। बिजली अचानक कड़की और यदि हम उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, ये तो प्रिपेयर होने की बात है। अब हम इतने आत्मस्थ यदि रहने लगे 24 घंटे तो कोई भी विकार हम पर शासन नहीं करेगा, सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल समझ में आता है, ये प्रैक्टिकली समझ में आने वाली बात है। आप इसको प्रयोग करके देखें कि क्या घटित होता है। सारी साधनाओं का सार एक ही समझ में आया कि मन बुद्धि शरीर के साथ जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य को हम अपने स्वरूप में, उस तादात्म्य को तोड़ सकें और अपने स्वरूप में पहुंच सकें, इसी को कहते हैं वो कछुआ वाला जो दृष्टांत है, यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए पूरा हमारा व्यक्तित्व, सांख्य पूरा आपको समझ में आ गया यदि आपने इस बात को समझ लिया कि ये जितना भी हमारा व्यक्तित्व है सारा अहंकार बेस्ड है। सांख्य की दृष्टि पूरी आपके अंदर बैठ गई यदि ये समझ में आ गया कि किस तरह से अहंकार, हमारे अहंकार के द्वारा हम परिचालित हैं,
हमारा शरीर, हमारा मन बुद्धि, ये सारा जो है ना, अहंकार के बाद ये सारा व्यक्तित्व हमारा काम कर रहा है। अहंकार से पूर्ववर्ती जो चीज़ है उसको महत कहा है सांख्य में। महत, महत क्या मतलब होता है? अस्मि, महत मानी अस्मि। अस्मि भाव में जाते ही हम तादात्म्य, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, जो तादात्म्य हमारा योग्यता के साथ, वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ, परिस्थिति के साथ जो तादात्म्य है वो टूट जाता है और हम पीछे सरक जाते हैं। आप प्रयोग करके देखें, मैं ऐसे केवल मैं तो संकेत कर रहा हूँ, आप प्रयोग करके देखें और इस प्रयोग में आप पाएंगे कि वास्तव में तो वो अद्भुत चीज़ है। अस्मि भाव है महत, जो सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान, ये जो महान है ये क्या है? संकोच रहित जो हमारी स्थिति है अस्मि, अहम एवं अहम एवं अहम एवं, ये उस अस्मि भाव का संकोच हो गया। जो अस्मि भाव था महान, जो अस्मि भाव था उसका संकोच हो गया, अहम एवं अहम एवं अहम एवं। तो शरीर के साथ, योग्यता के साथ, परिस्थिति के साथ, कर्म के साथ, जो हम करते हैं उसके साथ, तो इससे समस्याएं आती हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं आए, दुख कैसे आता है, उस प्रक्रिया को, इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो मैंने कुछ बातें कही कि अक्लिष्ट वृत्तियाँ वृत्तियों को हटाती हैं, एक ये प्रक्रिया है। एक है अपने को विड्रा करना, हम अपने आत्मस्वरूप में, अस्मि भाव में चले जाएं। ये दो धाराएं हैं, आपको जो आपको पसंद है उसका, और जिसका एप्लीकेशन हो सकता है, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं व्यवहार में, आप इन दोनों धाराओं से चल सकते हैं। मानी जैसे अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट वृत्तियों को हटाती है, एक ये धारा है, प्रतिपक्ष भावनम वाली धारा है, और एक प्रतिप्रसव वाली धारा है, अपने आत्मस्वरूप में पहुंचना। प्रतिप्रसव हे या सूक्ष्मा, ध्यान हे यास्तद्वृत्तया, ध्यान यास्तद्वृत्तया, मानी हम ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, ध्यान यह क्या है, एकाग्रता के द्वारा हमारी क्लेशों की वृत्तियों को हटा सकते हैं। प्रतिप्रसव या सूक्ष्मा ये है कि हम अपने आत्मस्वरूप में पहुंच जाएं। एक तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, विचार के द्वारा, विचार के द्वारा, ये विचार मार्ग है। ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परिस्थिति नहीं हूँ, मैं वस्तु पदार्थ नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, प्राण मन बुद्धि नहीं हूँ, ये विचार मार्ग कहा जाता है। विचार मार्ग के द्वारा हम अपने स्वरूप में पहुँचते हैं। तो या तो विचार मार्ग के द्वारा अपने स्वरूप में पहुँचें, या प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उसकी व्यर्थता को देखते हुए उससे हटें। जो विकार हैं, विकारों की व्यर्थता को देख के, देख करके विकारों से हटें। जैसे कोई हमारी प्रशंसा करता है, बहुत बड़ाई करता है, तो एक विचार आपके सामने यदि ये रहे कि भाई दूसरे की उदारता मेरा गुण नहीं है, ये तो अपनी उदारता में बोल रहा है, दूसरे की उदारता मेरा गुण नहीं है, दूसरे का जो कर्तव्य है वो मेरा अधिकार नहीं है। यदि ऐसा हम, हमारे अंदर एक विचार आता है तो तुरंत हमारे को एक शांति मिलती है कि दूसरे का, दूसरा अपना अधिकार, दूसरे अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, हमने उसको अपना अधिकार समझ लिया। दूसरे का कर्तव्य, माता पिता गुरुजन कुछ कर रहे हैं और हम उसको अपना अधिकार समझ लेते हैं। दूसरे का कर्तव्य हमारा अधिकार नहीं है, दूसरे की उदारता हमारा गुण नहीं है। हम, किसी ने हमारे को बड़े बड़े शब्द बोल दिए, ये बड़े महान हैं, बड़े तपस्वी हैं, और हम उसको ऐसा ही समझने लगते हैं। और फिर वो जब इमेज हम अपनी बना लेते हैं, फिर वो कोई तोड़ता है, टूटती है,
किसी प्रसंग विशेष में तो हमारे को कष्ट होता है। तो ये विचार मार्ग से या क्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा हम अपने क्लिष्ट वृत्तियों को हटा सकते हैं, ये एक रास्ता है और एक प्रतिप्रसव का रास्ता है। अपने स्वरूप को, अपने तादात्म्य को हम तोड़ें, इन सब को देखें हम, तो आप सब इसी तरह से अपने जीवन को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपनी दृष्टि को शेयर कर रहे हैं कि कैसा आपको लगता है। जो लोग अपने जीवन को और जगत को सुंदर देखना चाहते हैं वो पतंजलि योगपीठ में आप सब के द्वारा आमंत्रित किए जा रहे हैं। एक हम आमंत्रित करें, एक आप आमंत्रित कर रहे हो, और ईमानदारी से आप अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। आपको जैसा अनुभव हो रहा है उसको दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं कि हम ऐसा देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत ही सुनने वालों के लिए भी बड़ा सुखद होगा। और जो जिनके अंदर बीज हैं, जिनके अंदर संस्कार हैं, क्योंकि जैसे बथुआ का बीज भूमि में रहते हुए भी ऋतु समय नहीं होता है तो फिर वो जमता नहीं है, तो इसी तरह से जिनके अंदर बीज है, वो बीज है, वही अंकुरित होता है। तो आपकी वाणी सुन करके जो लोग, जिनके अंदर बीज जागृत होने लगे, तो उनको एक अच्छा मौका मिलेगा और जीवन और जगत को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत सुंदर वातावरण तैयार होगा। तो अब मैं वक्ताओं को निमंत्रण कर देता हूँ कि वो आकर के अपनी अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले नूपेश जी को मैं बुलाता हूँ, नूपेश जी आएंगे और वो अपनी बात कहेंगे। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै श्री परमात्मने नमः। उसी परमात्मा की प्रतिनिधि, प्रतिरूपक, प्रतिमूर्ति, अलुक्षता से भरे हुए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। वह यहाँ पर श्रद्धागार में जो अपने जीवन में दिव्यता चाहते हैं और उसकी ओर अग्रसर हैं, ऐसे सभी महानुभावों को भी मेरा सादर प्रणाम नमन। मेरा आज का विषय है सद्गुरु की खोज, पहचान, तलाश। इसको मैं कुछ अपने जीवन की पहलुओं से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब मैं 2011 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो किसी दूसरे गुरु के आश्रय में, किसी दूसरी संस्था में सेवारत था, तो उसी की नाम की माला जप, साधना, उसी की चित्र की पूजा, इस प्रकार प्रतिदिन करते हुए एक वर्ष बाद जब मैं श्रद्धेय श्री स्वामी जी को टीवी पर देखा और सुना, और यह कहते हुए सुना कि जो भी भाई बहन अपने जीवन में दिव्यता चाहते हैं, इस मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर हैं और मेरी तरह ही बनना चाहते हैं, वो यहाँ पतंजलि योगपीठ में अवश्य आएँ। तो इस प्रकार से मेरी स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ गई और मैं उस कार्य में संलग्न हो गया। तो जब एक वर्ष बीत गया तो एक दिन मेरे बड़े भैया ने कहा कि देखो, जीवन में दो गुरु कभी भी नहीं बनाना चाहिए, जीवन में हमेशा भटकाव ही होता है। तो मैंने कहा कि मैंने दो गुरु बनाए ही कहाँ हैं, एक ही बनाया है और उसी की खोज कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। तो जब मैं अगली कक्षा फर्स्ट ईयर बॉटनी विषय लेकर पहुँचा तो
वार्षिक परीक्षा होने वाली थी कि मैं यहाँ श्रद्धेय श्री स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हो गया। और जब मैं श्रद्धेय स्वामी जी श्रद्धेय गुरु जी को प्रत्यक्ष देखा और सुना और यह कहते हुए सुना कि हम तो निमित्त मात्र हैं, प्रतिनिधि मात्र हैं, एक मुसाफिर हैं, राहगीर, हमारे ऊपर भी एक नियंता है, एक सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता सर्वाधार परमेश्वर है जिसने संपूर्ण लोक लोकांतर को धारण किए हुए हैं। तो जब मैं इस बात को जिसके आश्रय में मैं पहले था उससे तुलना किया तो वे तो कहते थे कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, साधना करो, उपासना करो, मैं ही सब कुछ हूँ। तो नहीं, मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने सद्गुरु की खोज कर ली है, पहचान कर लिया है, जो कि अनंत राह के मुसाफिर है और हमको भी उसी राह में ले जाना चाहते हैं। तो जो भी भाई बहन अपने जीवन में दिव्यता चाहते हैं, इस राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ। और इसी को मैंने कुछ गुरुजी कुछ पंक्तियों में लिखी हुई है जो आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी, जिसमें मैं एक मुसाफिर हूँ और जो अन्य अपने लक्ष्यों से ओझल हो चुके हैं, उनके लक्ष्य ओझल हो चुके हैं, तो उनको मैं एक अनंत राह के पथिक के रूप में मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ। करोगे क्या अकेले तुम, जरा मुझको बताओ ना, नहीं कोई साथ में साथी, नहीं कोई हाथों में मोती, रूठे हुए दुनिया से किधर जाते मेरे साथी। आगे सलाह दे रहा हूँ, योग कर हो जा वियोगी, जला दो आनंद की ज्योति, योग कर हो जा वियोगी, जला दो आनंद की ज्योति, अब तू आ जा मेरे साथी, यही है ईश्वर की भक्ति, यही है ईश्वर की भक्ति। जब जीवन योगमय हो जाता है, योग कांति से युक्त हो जाता है, तो जितने भी साध्य हैं वो सारे सिद्ध हो जाते हैं और जितने भी दरिद्रताएं हैं वो सारे नष्ट हो जाती हैं। तो आप अवश्य पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी के जो प्रकल्प अनुपम रौनक प्रकल्प चल रहे हैं तो उसको अवश्य एक बार यहाँ पर आकर निहारिए, देखिए। और यहाँ सिर्फ वस्तु निर्माण ही नहीं हो रहा है बल्कि एक व्यक्तित्व का भी निर्माण हो रहा है। तो आपका सादा यहाँ स्वागत है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। धन्यवाद। मुकेश जी ने अपने गत जीवन का अनुभव हमारे सामने रखा कि गुरु की सद्गुरु की खोज में मैं लगा रहा और उसके परिणाम स्वरूप श्री स्वामी जी मुझे प्राप्त हुए और मुझे संतोष है कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो दूसरे लोग भी इसी तरह से इन्हीं की तरह खोज करेंगे वो पाएंगे। तिन खोजा जिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। नियम है, ये अस्तित्व का नियम है कि खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती है। खोज करेंगे तो अवश्य हमें उसका सही प्रत्युत्तर प्राप्त होता ही है।